दोस्त, अगर आपने मेरे इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ गाइस कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है कि मैं यूट्यूब अब छोड़ दूंगा और सब कुछ ख़त्म। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, क्या इसका रीज़न है? और गाइस, मैं आपको अपनी कुछ जर्नी बताऊंगा, अपनी शुरुआत लेवल की कुछ स्टोरी बताऊंगा। अब कुछ लोग क्या है यहाँ पर वीडियो को अभी तो छोड़ के जाने लगे होंगे, लेकिन मैं आपसे अभी ही यहाँ जोड़कर विनती करूंगा गाइस कि प्लीज़ आप हमारे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद आप कुछ भी करना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ जितने मिनट का ये वीडियो है, 5 मिनट का आप इस वीडियो पर टाइम देकर जाएं, उसके बाद जो भी है आप अपना डिसीजन लेना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। ये जो मेरा चैनल है, इसको मैंने अपने 2017 में क्रिएट किया था, बनाया था, और उसके बाद में धीरे धीरे से जो हमारी फैमिली है वो धीरे धीरे से ग्रो होती गई, और अभी इस टाइम हमारे चैनल पर 73,500 के करीब कुछ सब्सक्राइबर बन चुके हैं। हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन गाइस, आज मुझे तकलीफ इस बात का हो रहा है क्योंकि यार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और मेरे संग के इतने ज़्यादा चैनल थे, वो आज मिलियन पे, 5 लाख पे, सब पे पहुँच गए, लेकिन आज हमारे चैनल की स्थिति ये है कि अगर हम कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो उस पर सिर्फ व्यू कितने आते हैं, सिर्फ 50 या 60, अगर मैक्सिमम भी चले जाएं तो सिर्फ ओनली 100 व्यू आते हैं। 100 से ऊपर बहुत ही कम चांस बनता है। जिस दिन 100 से ऊपर व्यू आते मैं गाइस उतने में ही खुश हो जाता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता गाइस कि मैं आपको वो क्या नहीं दे पा रहा हूँ, अपने चैनल पर वो क्या चीज़ नहीं लेके आ पा रहा हूँ जिससे आप मेरे वीडियो को इंटरेस्ट लें, जिससे कि आप हमारी जो मेहनत है, जो मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से मुझे उसका आउटपुट मिले, यानी मुझे फल मिले। ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। मैंने देखा कि मेरे संग के जितने भी चैनल हैं वो आज हमारे कैटेगरी के जितने भी चैनल हैं, सामने बने हुए चैनल, वो आज मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करता हूँ, अगर मैं बताऊँ गाइस, अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको भी क्रिएट करने और उसको एडिट करने में और पिछली जो वीडियो है उनको क्रिएट करने में मुझे 3-3, 4-4 घंटे का समय लगता, और स्थिति आज ये है कि मैं कितनी भी क्यों ना मेहनत कर लूँ, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी भी क्यों ना मेहनत कर लूँ, मेरे 100 से ऊपर व्यू कभी आने ही नहीं है इस चैनल पर। क्योंकि गाइस, मैं खुद नहीं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी क्या चीज़ दूँ, क्या चीज़ इस टाइप की वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप देखें। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ इस चैनल पे, इस वीडियो में, कि अगर मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलूँ तो मेरा जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट है मोबाइल, एयरफोन्स, टीवी, लैपटॉप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं, टैग रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उन पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और गाइस, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं काफ़ी दिनों से वही बराबर क्रिएट कर रहा हूँ, एक से एक अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में रिसेंट में एलमी C35 एक मोबाइल को बाय किया जो अभी 10 मार्च को लॉन्च हुआ था, और फर्स्ट सेल में उसको मैंने बाय किया, और उसकी जब मैंने वीडियो क्रिएट की तो पता है उस पर कितने व्यू आए? और उसको सच बताऊँ, वीडियो बनाने, क्रिएट करने, अपलोड करने में पूरा मेरा एक दिन चला गया, समझ रहे हो ना, पूरा एक दिन चला गया। उसके बाद उस पर मुझे आउटपुट कितना मिला, 73,000 सब्सक्राइबरों पे सिर्फ 74 व्यू। अभी भी आप देखेंगे उस पर 74 व्यू हैं। तो यार गाइस, किसे ख़राब नहीं लगेगा, आप बताओ, हम ऐसी क्या चीज़ नहीं ले पा रहे? और जिसके सिर्फ 76 सब्सक्राइबर हैं, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा यार जिसके सिर्फ ओनली 76 सब्सक्राइबर हैं, उसने यही जो मैंने रियलमी मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई, उसके यार 1600 व्यू हैं। जो सेटअप है, सच बताऊं, धीरे धीरे बड़ी मेहनत से मैंने कर पाया, और उसके बाद में आज स्थिति ये, घर वाले ये बोलते हैं कि YouTube पे कुछ नहीं रखा, तुम जाओ बाहर कमाने जाओ। मुझे भी लगता है, घर वाले भी ठीक कहते हैं, कि मुझे भी लगता है कि मैं कितनी क्यों ना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन YouTube पे मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। जब तक आप अपना मुझे थोड़ा सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता YouTube पे। और इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे ये लिखा कि सब कुछ ख़त्म, अब मैं YouTube नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं बाहर चला जाऊँगा, बाहर किसी कंपनी में काम करूँगा, तो वहाँ पर तो यार जब वो पूरा फुल मुझसे काम लेंगे तो मैं वीडियो कब बना पाऊँगा, कब बना पाऊँगा वीडियो, मुझे यही नहीं समझ में आता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर, मुझे कमेंट में इस वीडियो में बताएं कि मैं क्या, अगर आपने मुझे सपोर्ट कर दिया गाइस तो शायद मेरा चैनल है आपकी दुआ से चल चले, सब कुछ चला गया। यही टेंशन में गाइस मैं रोता हूँ बार बार, कभी कभी तो मुझे रोना आता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ ओनली 50, 60, 70 व्यू लेकर मैं रह जाता हूँ, कभी कभी तो लाइक भी एक भी नहीं मिलती।
अब मैं जानता हूँ कि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा, प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। अब आपकी मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों को मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं वो सही नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं, सही बोलते हैं कि अगर आपको YouTube पे काम करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब आप ही बताइए कि मैंने 17 में क्रिएट किया तो आप साल जोड़ लीजिए कितना मैं धैर्य रखूँ, 1 साल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 साल हो जाएगी। गैस मैंने लगातार आप 17 से गिनिए, यहाँ पर 5 साल होने को हैं और अभी तक मैं सस्पेंस ही रख रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, जिससे कि मैं आपके रेगुलर हो सकूं, और नहीं तो फिर सब कुछ ख़त्म, और जो मैंने थंबनेल पे लिखा वो बिल्कुल सही फिर होगा। प्लीज़ थैंक यू, और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता।